होने वाली है स्थापना, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह से ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। जस्ट अभी मैं निकलने वाली हूँ और आज मैंने पहना हुआ है ये रेड वाला सूट जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। मैंने आज सबसे ज्यादा लाइट वेट कपड़े पहने हुए, नितिन जैसे से साड़ी वगैरह पहनता, आज मैं लहंगा भी पहना, डिसाइड नहीं कुछ कौन सा पहना है। कपड़े तो बहुत सारे पैक करके रखे हैं, सिर्फ बाकी हम सब चेंज करेंगे। और साथ ही साथ आज फाइनल स्थापना का डे है, अभी तक उनको नहलाया वगैरह जा रहा था। और आज क्या होता है वो मटकी वाली रस्म, अभिषेक नहीं, वो मटकी में वो हजार उसमें होल कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं तुमको, प्राड़ो है गाइस। तो हाँ, आज हजार छेद कर हजार उसमें एक मटके में ना होल कर जाते छोटे छोटे, और उसमें हजारा भरता है जो कि मटका वो पूरा भरता नहीं। वो सारी रस्में आज होने वाली है तो हम आप सब में शेयर करेंगे। पहली बार मैं सारी चीज देख रही हूँ, क्योंकि आज से 15-16 साल पहले मटकी वाली जो माता है वहां पर स्थापना हुई थी माता रानी के मंदिर, उसी के जस्ट बगल से आज स्थापित हो रहे हैं हमारा पूरा शिवलिंग का परिवार। हाँ, शिव जी का परिवार। और यहाँ पर मेरे पास प्राड़ो है, वो बड़ा परेशान कर रहा है, देख लो। रेडी, क्या कर रहे हो आज? घर की हालत एकदम बिखरी पड़ी है, प्रेस के कपड़े आए हुए हैं। क्या चाहिए? हाँ, ये बेचारा अकेले घर में छूट जा रहा है। हाँ, चलना है साथ में, वहाँ लेके नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप सही घर पे रहना भी, एसी ऑन कर दे। ये भी ना परेशान हो रहा है, बट मजबूरी है, घर पर कोई भी नहीं और इसको ऐसे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, अभी हम चलते हैं और आपको शेयर करते हैं आज का पूरा दिन। आई होप आपको ब्लॉग आएगा। और मैंने यहाँ चूड़ा पहना हुआ है, रेड कलर का सूट पहना हुआ है, और आपको दिन में 2 से 3 बार कपड़े भी चेंज करने हैं। तो देखियो कहाँ तक ब्लॉग हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो अभी जाकर देख सकते हैं। 3 दिन से ना मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, आज मैं काफी लेट तक हुई थी, 8 बजे तक मैं सोई थी, क्योंकि हम लोग रात भी थोड़ा लेट आए थे। कितना बज गया, हम लोग आई थिंक 2 बज गए थे आते आते, और अभी हम निकल रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई है तो वही ठीक करवा रहे हैं, बाकी सब लोग जा चुके हैं। और माँ का ही जस्ट फोन आया था कि बस अभी पूजा में बैठने वाले हैं, हम लोग जल्दी से आ जाओ, तो हमने कहा ठीक है, हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि घर की सारी तैयारियां भी देखनी पड़ती है, कपड़े भी रखने हैं, आपको 3-3 जोड़ी आपको कपड़े रखने होते हैं, क्योंकि फिर फंक्शन बदल बदल के होंगे। तो इस टाइम पे सूट डाला हुआ है क्योंकि हजारा चढ़ेगा तो उसमें गीले हो जाएंगे सब लोग, तो इस वजह से मैंने कहा कि बाद में मैं साड़ी या लहंगा देखेंगे शाम के टाइम जैसा भी होता है। और स्ट्रेटिंग मशीन भूल गई थी तो फिर मैंने ऊपर से जाके फिर से लॉक खोला और फिर मैं उसको रख के आई, तो यही है। तो लो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी में, क्या ही ब्लॉग बन रहा है मेरा, ये बाहर खड़े हैं। तो हम लोग फाइनली फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं गाइस, और यहाँ पर पूजा भी स्टार्ट नहीं हुई थी, जस्ट मम्मी पापा वगैरह बैठे हुए थे, हमारा वेट हो रहा था, तो बस अभी हम लोग भी आ गए हैं तो हम लोग भी बैठ जाएंगे, हमारा गठबंधन बंधेगा। क्योंकि जितने डेज हमारी मतलब 4-5 दिन पूजा चली थी ना, उतने दिन तक मैंने ये चुनरी और उन्होंने गठबंधन कर वो साथ में डाल दिए जाते हैं ना, हम लोग ने ऐसे पूजा में बैठे हुए थे, अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं ना, मतलब सब लोग जोड़े के साथ में बैठे हुए हैं। पूजा की सारी तैयारियां बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुबह सुबह सारे पंडित जी वगैरह मिलकर कर देते थे, तो 5-7 पंडित जी थे जो मतलब पूरे टाइम रहते थे, जैसे कि आप देख रहे हैं वाइट वाइट पहने हुए हैं कुर्ते वगैरह, तो वो सारे लाइन से बैठे हुए हैं। बाकी आप पीछे के साइड में देखेंगे ना तो वहाँ पर बेलपत्री वगैरह दादी माँ वगैरह मिल के तोड़ रहे हैं, मेरी ननद वगैरह सब मिल के, और यहाँ पर देखो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं, सर पर वो लगाते हैं ना टीका वगैरह, तो आज हम ना बहुत मतलब बड़ा सा टीका लगा हुआ है तो जो आपको दिखाएंगे हम, और एंड तक आप ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लिया था पंडित जी ने, इतना बड़ा बड़ा सा इस टाइप से टीका लगता है। और ये सारा कुछ ना मैं बैठे बैठे शूट कर रही थी क्योंकि आज पापा और माँ वगैरह आगे बैठे हुए थे, तो सारी पूजा की जो भी मतलब रस्में होते हैं ना वो पापा माँ ही कर रहे थे, हम लोग ना बार बार हाथ लगा दे रहे थे सब लोग मिलकर, क्योंकि इतनी दूर तक हमारा हाथ पहुँच नहीं सकता है ना गाइस। बाकी छोटा सा ब्रेक लेंगे अभी हम,
मैंने ना ये 3 प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं अपने हेयर्स के लिए, जो कि आजकल मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गए थे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जैसे कि आप ब्लॉग देख ही रहे हैं, उस ब्लॉग अगर मैं आपको इस ब्लॉग के बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ सो सॉरी गाइज, बट मैं आपके साथ में ना 2-3 मिनट लेना चाहती हूँ इन चीजों के बारे में, थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि रोज रोज हमारा इंडस्ट्री जाना हो रहा है और पूजा वगैरह हो रही है, तो हमें रोज रेडी होने जाना होता है और फिर ना सारा कुछ रहता है ना, घर की पूजा तो ऑब्वियसली बात हमें करनी है ना सारी चीजें, तो उसके से ना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे पास में ना हेयर ड्रायर नहीं था, सो मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज करा हुआ है। और मैं आपको बता दूं ये सारी शॉपिंग मैंने मीशो से करी हुई है। बात करें मीशो की तो मीशो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मीशो एक इंडिया का नंबर 1 अर्निंग ऐप है, जिससे आप घर बैठे बैठे 20-25 हजार मंथली कमा सकते हैं गाइस, और ये हाउस वाइफ्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं और मुझे काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिले हैं। पहले मैंने ना यहाँ पे नोवा का हेयर ड्रायर मंगाया हुआ है, जो कि आजकल मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह से आप शावर लेकर जाते हो और फिर आपको मतलब हेयर्स को ना ड्राई करने का वो टाइम नहीं मिलता है, जस्ट आपको उसको प्लग करना है, अच्छे तरीके से आपको हेयर ड्राई कर लेना है, बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है। मैं 2 दिन से इसी से जल्दी जल्दी हेयर ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझको ना हेयर वॉश करना पड़ता है। ये जो ड्रायर है ना ये बहुत ज्यादा हैंडी है कि आप आराम से इसको पकड़ लोगे, काफी ज्यादा लाइट वेट है और इजिली आप इसको अपने बॉडी वाले पर्स में कैरी करके ले जा सकते हो ट्रैवल के लिए, तो काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये कर्लर मंगाया हुआ है, जिससे आपके अच्छी तरीके से हेयर कर्ल्स हो जाते हैं। तो ये देखिए मतलब आपको एक सिंगल कर्लर मिल रहा है, तो ये देख लीजिए ये भी काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसके मैंने रिव्यूज चेक करे हुए हैं, आपके हेयर्स को कर्ल्स कर देता है। बाकी व्लॉग में मैं आप सबसे जरूर शेयर करूंगी जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगी कि इसको मैं कैसे अपने हेयर पे यूज करती हूँ। एंड अगेन ये भी नोवा का प्रोडक्ट है, नोवा के जितने भी प्रोडक्ट मैंने अभी तक यूज करे हैं मुझे बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी लगी हुई है। एंड थर्ड मैंने ये मंगाया हुआ है, ये आपका स्ट्रेटनर और कर्लर का दोनों का वर्क करता है, आपको मिनी कर्लर मिल जाता है एक तरीके से। ये देखिए मिनी स्ट्रेटनर और कर्लर, ये मुझसे लोगों के पास मैंने देखा था, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसको भी मंगा लेती हूँ। और साथ ही साथ ये भी अगेन ट्रैवल फ्रेंडली है, अब जब मेरे पास में दूसरा वाला है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं उसको मतलब इजिली अपने पर्स में कैरी नहीं कर सकती, बट इसको मैं अपने हैंड बैग में ना अच्छे तरीके से कैरी कर सकती, तो इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया। अगेन इसमें भी प्लग है, तो अभी तक मैंने इसे ड्रायर को यूज करा है, बट इसको और उसको मैं जरूर डेफिनेटली ट्राई करूंगी और शेयर भी आप लोगों के साथ में करूंगी। बाकी हम जान लेते हैं थोड़ा सा मीशो के बारे में। दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको मीशो ऐप को डाउनलोड करना है, साथ ही साथ वहां पर जैसे आप इसको ओपन करते हैं आपको काफी सारी कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जैसे कि इसमें मेंस वेयर, किड्स वेयर, आपको फैशन ब्यूटी रिलेटेड से सारा कुछ मिल जाएगा गाइज। आपको जस्ट क्या करना है, आपको एक प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि हम लेने वाले हैं स्ट्रेटनिंग मशीन, सो उसको आपको क्लिक करना है और शेयर नाउ के ऑप्शन में आपको जाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने फ्रेंड के साथ में उसको शेयर कर देना, तो उनके पास में सारे डिस्क्रिप्शन सारे इमेजेस वगैरह पहुंच जाएंगे। अब रही बात मार्जिन ऐड करने की, तो मार्जिन हमें किस तरीके से ऐड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है और वहां पर जाकर जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो है 294 रुपीज का, ठीक है ना, आप और उसमें मार्जिन ऐड करते तो वो 350 रुपीज का हो जाता है। तो आपने 56 रुपीज उसमें मार्जिन ऐड करा हुआ गया है गाइस, जो कि आपकी मीशो से अर्निंग है, जो कि आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो इस तरीके से आप मीशो से अर्न कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसके कोड्स दिए गए हैं, क्योंकि मीशो में लिंक्स नहीं होते, कोड्स होते हैं, तो आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टा पे स्टोरी भी डाली हुई थी, जिसने मुझको इंस्टा पे फॉलो करा उनको पता होगा कि उनको मतलब पूरा अपडेट मिलता रहता था day 1 day 2 का क्योंकि वहाँ पर ना मैं ज्यादा मतलब रेगुलर रहती हूँ और वहाँ पर स्टोरीज के थ्रू मैं अपनी सारी पोस्ट वगैरह शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि व्लॉग तो यूट्यूब में बाद में आता है और फिर वहाँ पर हम डेली का अपडेट देते रहते हैं। वैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो कर लीजिए, शिवी लाइफस्टाइल सर्च कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, फॉलो कर लीजिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलपत्री वगैरह सारे बच्चे वगैरह बैठे हैं, पंडित जी भी लगे हुए हैं, मतलब पूजा हमें रात की तैयारी के लिए 2-4 घंटे दिन भर पूजा चलती ही रहती है, क्योंकि सुबह पूजा होती है, फिर शाम के टाइम मतलब शाम के रात ही हो जाती है, आराम से 12 बजे जाते हैं पूजा करते करते और फिर हम लोग घर पहुंचते पहुंचते ना 1:30 से 2 बज जाते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में तो हम लोग जाते हैं। बाकी यहाँ पर कैमरा लगा दिया था और यहाँ पर हम लोग की मस्ती चल रही थी, क्योंकि पूजा में ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट भी हो रहा था, सब लोग हंसी मजाक करते। बाकी मुझे प्यास लगी थी, यहाँ पर माँ उनका कुछ डिस्कशन चल रहा है पूजा वगैरह को लेके। Yeah.
और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी हम लोग सारी मूर्तियों को उठा के, मतलब कि पूरा शंकर जी उनका परिवार लेकर अभी हम बाहर जा रहे हैं, और अभी हजारा भरने वाला है जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लंबा हो गया है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है वो वीडियो, आगे देखने के लिए आपको मिलेगा कल मॉर्निंग में 11 o'clock पे। सो वेट ज़रूर करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी सारी मूर्तियाँ एक एक करके सब लोग उठा उठा के ले जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा, मतलब टेबल वगैरह लगा दी गई हैं, अभी बहुत सारा पानी और सारा कुछ, मतलब मेरे देवर वगैरह यहाँ पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैंने कहा कि चलो वो नेक्स्ट व्लॉग, मतलब उसका सेपरेट मैं व्लॉग शेयर करूँगी, बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स वो सब लोग हैं, वीडियो वाला है। और यहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ, खाना वगैरह बन रहा था फैक्ट्री के एक शेड में, तो फरहार वगैरह ना अलग बन रहा था, खाना वगैरह अलग बन रहा था, क्योंकि मोस्टली लोगों का तो व्रत था ना, जैसे मेरे घर पे भी, तो उनके लिए यहाँ पर खिचड़ी वगैरह बन रही है, पकौड़ियाँ बन रही थी, मीठा बन रहा था, और यहाँ पर ये आंटी वगैरह जो है ना काम में वो लगी हुई थी। तो अच्छा था ना, कुक वगैरह लगाए तो अपन को टेंशन नहीं था, सारा कुछ बन जाता था, क्योंकि हम लोग को तो पूजा में बैठना था, और फिर इतने सारे लोगों का ना रोज़ का रोज़, मतलब अगर कहीं हम भंडारा, तो हमारे यहाँ पर भंडारा 4 दिन चला था, और यहाँ पर खाने के लिए कितनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनी हुई थी, जैसे साबूदाने की खिचड़ी, आलू फ्राई थे, और फ्रूट रायता था, खीर थी, तरह तरह की चटनियाँ बनी हुई थी, मीठी वाली, खट्टी वाली, और पता नहीं इमली की, और साथ ही साथ मीठा भी था, बर्फी वगैरह, मतलब सारा कुछ हलवाई ना फ्रेश बनाया हुआ था, बाकी फ्रूट्स वगैरह थे। तो जो भी लोग आ रहे थे ना पूजा में, तो उन सभी को भी हम लोगों ने, मतलब सारा फरहार करवाया था सबने मिलकर, तो सारे बच्चों ने सबने मिलकर ही काम करा हुआ था। बाकी मैं अभी मंदिर में आई हुई हूँ भोग लगाने के लिए। हम जा रहे हैं प्रसाद को सारे खाने मिक्स करने के लिए, क्योंकि माता रानी का प्रसाद है। यहाँ पर ना जो न्यू वाला मंदिर भी बन रहा है ना, तो उसका भी काम चल रहा है, वो आज रात तक या कल तक ना पूरा, मतलब सब कुछ बन जाएगा, और फिर आपको मैं दिखाऊंगी फाइनली अपने जहाँ पर शंकर जी उनकी स्थापना होनी है वो। और बाकी भी हम शेड में चलते हैं जहाँ पर फरहार वगैरह पंडित जी कर रहे हैं, और कन्याएं भी बैठी हुई हैं, तो सबको मिलकर करवा रहे हैं। बाकी फिर हम लोग अपना लंच वगैरह करेंगे, और यहाँ पर बुआ जी बैठी हुई थी अपनी बच्ची के साथ, मैंने कही बड़ी कन्या कहाँ से आ गई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हम आ गए हैं ऑफिस में, और खाना मंगवाया हुआ है, और सारे फलहार वगैरह सब कुछ दे दिया है पंडित जी वगैरह को, और अभी इनको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो इन्होंने मेरे को फोन करके बुलाया था, इनके लिए मैंने खाना लगवाया। यहाँ पे देखिए इतनी सारी गर्मा गर्म पूड़िया और मटर पनीर की सब्जी, जो कि नवीन भैया देखे गए हमारे स्टाफ मेंबर हैं वो, और बहुत ज्यादा ख्याल रखा उन्होंने हमारा इतने दिनों तक। दोनों भोले भंडार से बैठे हुए हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, खाना भी नाश्ता भी, जिसको जो खाना। तो यहाँ पर बाकी लोग जो आसपास से भी आए थे, सब लोग फरहार कर रहे थे, कुछ लोग मतलब खाना वगैरह खा रहे थे, बाकी पंडित जी वगैरह कन्याएं सब चले गए हैं, आसपास के लोग आ गए थे। और यहाँ पर हमारी नानी जी हैं, जो कि दादी माँ की माँ हैं, वो 100 ईयर्स गाइस क्रॉस कर चुकी हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और देख लीजिए नानी जी की हमारी मस्ती, बहुत ज़्यादा प्यारी है ये।